ये इथरनेट केबल्स है, ये 7 फुट की, ये 3 फुट की और ये 10 फुट की। तो ये कैटेगरी 7 वाली केबल्स है, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल केबल्स होती है इथरनेट की वो स्लो होती है। तो ये केबल्स मैंने अपने सर्वर के लिए मंगाई है। इनको अनबॉक्स कर लेते हैं। और कनेक्टर्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुपीरियर है और केबल भी अच्छी खासी मोटी है। ऐसी वाली केबल है, कम लेंथ की। तो तीनों केबल्स इस तरीके की है, काफी हैवी है। क्वालिटी देख के आपको पता चल रहा होगा इतनी मोटी इथरनेट केबल कहाँ होती है। काफी रिजिड केबल है ये, क्योंकि ये काफी शील्डिंग होती है इसमें। अब प्लग इन करते हैं इसे अपने सिस्टम में। ये जो लोकल केबल्स आती है राउटर्स के साथ, ये वाली यूज़ कर रहा था पहले मैं अपने वर्क स्टेशन में, लेकिन अब फाइनली कैटेगरी 7 अमेज़न बेसिक्स की केबल पे अपग्रेड कर लिया मैंने। अपने प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यही केबल्स यूज़ करी है मैंने। इन केबल्स के साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हाई स्पीड गीगाबिट स्विच यूज़ करें, कोई भी राउटर में नहीं प्लग इन करना, नहीं तो वो बॉटलनेक का काम करेगा और आपको मैक्सिमम स्पीड्स इन केबल्स की नहीं मिल पाएगी। इस गीगाबिट स्विच की मदद से मैंने अपने नैस सर्वर को वर्कस्टेशन पीसी से कनेक्ट कराया और मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड्स मिल रही है वीडियो एडिटिंग के वक्त। वाईफाई राउटर्स को भी कनेक्ट कर लिया मैंने इन्हीं केबल्स की मदद से, ताकि मैं अपने मोबाइल फ़ोन से वायरलेसली डेटा एक्सेस कर पाऊँ 5G नेटवर्क के थ्रू। जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मैं अपने मोबाइल पर करता हूँ डायरेक्टली नैस सर्वर पर अपलोड कर देता हूँ। इससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, नहीं तो पहले मैं USB केबल के थ्रू ट्रांसफ़र करता था। अब बात करते हैं कि इस बात पे कि ये केबल स्किन के लिए है और क्यों आपको इतना स्पेंड करना चाहिए इन केबल्स में। अगर आपको कोई भी हाई स्पीड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने बताया आप नैस ड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं या बेसिकली कोई भी सर्वर्स को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट केबल्स है जो आपको मिल सकते हैं इस वक्त इंडियन मार्केट में। इनसे सुपीरियर कोई भी केबल्स नहीं है। कैटेगरी 7 की ये फास्टेस्ट केबल्स हैं और ये आपको मैक्सिमम स्पीड अलाउ करेगी जो भी आपकी हार्डवेयर पॉसिबली दे सकती है आपको। इन केबल्स को इंस्टॉल करने में इस बात का ध्यान रखना, ये केबल्स काफ़ी रिजिड है और ऑन पर्पस ये रिजिड है, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छे से शील्डिंग कर रखी है, उसी के कारण ये आपको ज़्यादा स्पीड देती है। तो इनको कहीं भी आप शार्प बेंड्स मत करना और इनको ढंग से ऑर्गेनाइज करके आप लगाना अपने सिस्टम में, ताकि ये केबल्स आपको मैक्सिमम स्पीड दे। अगर हो सके तो इन केबल्स को पावर केबल से आप अलग लगाएंगे तो हो सकता है और अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये दे। कैटेगरी 7 केबल्स के साथ आपको अच्छी हार्डवेयर तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, कई लोग ये गलती करते हैं, जो वाईफाई राउटर होता है उसको एज ए स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। पास्ट में मैं भी कर रहा था काम चलाने के लिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है। तो इसलिए आपको अलग से एक ईथरनेट स्विच खरीदना चाहिए। इस टॉपिक पर अलग वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके बाद में चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इन केबल्स की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि मेन चीज़ है स्पीड की, कितनी स्पीड ये आपके सिस्टम को देती है। तो ये आप देख सकते हैं, एक फ़ाइल को मैं ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर से अपने नैस सर्वर के बीच में, जो कि गीगाबिट स्विच के थ्रू कनेक्टेड है और अमेज़न बेसिक्स की कैटेगरी 7 केबल्स का ही उसमें यूज़ करा गया है। पहले तो हार्ड डिस्क की स्पीड को टेस्ट करने के लिए ये मैंने फाइल ट्रांसफ़र करा है। दोनों हार्ड डिस्क सेटा के जो 6GB पोर्ट्स होते हैं उससे कनेक्टेड है और ऑलमोस्ट इसमें 200 MB की स्पीड मिल रही है हमें। ये प्रोसेस मैंने कई बार करी है और इसकी एवरेज लगभग 200 MB तक ही आती है। सेटा इंटरफेस पे जो हार्ड डिस्क है इनकी स्पीड तो हमने देख ली। अब चेक करते हैं जो नैस सर्वर कनेक्टेड है इन केबल्स के थ्रू उसकी स्पीड्स को, और सेम टाइप की हार्ड डिस्क मैंने उसमें भी लगाई हुई है, तो थियोरेटिकल स्पीड 200 MB की उसमें हमें मिलनी चाहिए। अब वो अलग बात है, जो गीगाबिट स्विच है वो 128 MB तक ही सपोर्ट करेगा थियोरेटिकली, रियल लाइफ स्पीड अभी हमें देखने को मिल जाएगी। तो गीगाबिट स्विच की ऑलमोस्ट 90% स्पीड हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इस नेटवर्क सिस्टम में ये जो केबल्स हैं डेफिनेटली ओवरकिल है, क्योंकि स्लोएस्ट पार्ट हमारे सिस्टम में गीगाबिट स्विच है और बाकी नैस सर्वर और जो कंप्यूटर की हार्डवेयर है वो मेजॉरिटी कंप्यूटर्स में आजकल जो नेटवर्क इंटरफेस है 1 GB का ही आ रहा है। वो अलग बात है, अगर आप डेडिकेटेड सर्वर्स के मदरबोर्ड्स देखेंगे तो आपको 10 GB का भी उसमें ऑप्शन मिल जाएगा इंटरफेस में। तो ये केबल्स डेफिनेटली फ्यूचर प्रूफ है और आपके किसी भी नेटवर्क सिस्टम के लिए डेफिनेटली ओवरकिल है। ये केबल्स अलग अलग लेंथ में अवेलेबल है और इसमें कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6 केबल्स भी आती है, जो कि इसके मुकाबले सस्ती हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो स्पीड की और जितनी लेंथ आपको ज़रूरत है आप चेक कर सकते हैं।
वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी कैटेगरीज और सारी लेंथ्स की केबल्स के लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं। उन लिंक्स पे जाके आप इन केबल्स के प्राइसेस चेक कर सकते हैं और चाहे तो खरीद सकते हैं। बाकी किस तरीके से आप अपना खुद का नेस सर्वर बिल्ड कर सकते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो होगी चैनल पे, अगर नहीं है तो जल्दी आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।